एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर नीरव अपने देश वापस लौट रहा था। एयरपोर्ट पर ही भीड़ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। रिपोर्टर्स उसकी फोटो लिए जा रहे थे, लेकिन उसे तो अपने घर अपने गांव जाने की जल्दी थी। बस जल्दी से खत्म हो ये सब। गांव पहुंचते ही उसका एक बार और स्वागत हुआ। दूर दूर से लोग आए हुए थे, उसे माला पहनाई जा रही थी। लेकिन वृंदा को देखते ही नीरव ने अपनी माला उसके गले में डाल दी। नीरव की इस हरकत से वहां खड़ी चसू जल भुन गई। अगर ये वृंदा आगे न आई होती तो नीरव ये माला मुझे ही पहनाता। शाम के समय नीरव के सम्मान के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो नीरव को 4 करोड़ की धनराशि देगी। अब मैं नीरव से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ आकर कुछ शब्द कहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी ये सफलता केवल मेरी नहीं, आप सभी की है। मेरे भैया जिन्होंने खुद पहलवानी छोड़ के घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, ये मेडल उनके लिए है। मैं बचपन से यही ख्वाब देखता था कि जब ये मेडल भैया को दिखाऊंगा तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन उनके साथ हुए हादसे के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। हालात ऐसे बने कि अखाड़ा छूट गया। वो मेरी जिंदगी के सबसे कमजोर पल थे, लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं था। मैं तैयारी करने के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं आज इसी गांव में पड़ा रहता। इस मेडल के उतने ही हकदार अखाड़े के मेरे गुरु जी भी हैं, जिन्होंने बचपन से ही मुझे कुश्ती के दाव पेच सिखाए और शहर जाने के बाद भी बताते रहे। नीरव की बातें सुनकर वृंदा भी भावुक हो गई। नीरव भैया, नीरव भैया। रात के समय, अरे पापा, ये वहाँ का सबसे शानदार कपड़ा है, इसका कुर्ता सिलवा लीजिएगा। ठीक है ठीक है। नीरव के स्वागत के लिए मौसी जी भी आई हुई थी और आते ही उन्होंने वृंदा का कमरा हथिया लिया था, इसलिए आज फिर से वृंदा को नीरव के कमरे में सोना पड़ रहा था। अरे ये लॉकेट लगता है पहलवान जी मेरे लिए लाए हैं क्या? और ये मेडल? आज पंकज जी होते तो कितना खुश होते। तभी नीरव अपने कमरे में आया। वापस आते से ही वो इतना व्यस्त था कि उसे वृंदा से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वो मैं बस मेडल देख रही थी, इसको वापस रख देती हूँ। लेकिन नीरव ने कुछ कहने की जगह आगे बढ़कर वृंदा का हाथ थाम लिया। वृंदा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसकी धड़कने बढ़ गई। मेरा हाथ छोड़िए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।